ये जो सबसे बड़ी जो कार्रवाइयाँ हो रही है, ये आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर बॉर्डर, जो बाड़मेर की बॉर्डर है, जैसलमेर की बॉर्डर मनु जी आप रहिएगा, आप रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर, यूपीएससी परीक्षा 2023 का परिणाम जारी हो गया है। आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी में टॉप किया है और दूसरे स्थान पर रहे हैं अनिमेश प्रधान। तो दूसरे स्थान पर अनिमेश प्रधान, अनन्या रेड्डी को तीसरा स्थान मिला है। यूपीएससी परीक्षा का परिणाम आया है, आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी टॉप किया है। दूसरे स्थान पर अनिमेश प्रधान का नाम है, तीसरे पर अनन्या रेड्डी का नाम है। देश की ये सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है जिसके लिए जो युवा हैं खासतौर पर महीनों और कई बार तो सालों तक तैयारी करते हैं और उस मेहनत का नतीजा जो है वो आज यूपीएससी के रिजल्ट के तौर पर सामने आया है। आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी में टॉप किया है और दूसरे स्थान पर अनिमेश प्रधान रहे हैं, जबकि अनन्या रेड्डी को मिला है तीसरा स्थान। सभी को इंतजार रहता है क्या रैंक उनकी रही है, क्या स्कोर उनका रहा है। सबसे प्रतिष्ठित ये परीक्षा यूपीएससी की तैयारी में युवा, सबसे प्रतिष्ठित ये परीक्षा यूपीएससी की तैयारी में युवा 18-18 घंटे तक पढ़ाई करते हैं और जब जीत कर आते हैं, जब टॉप करते हैं या फिर जब अच्छी रैंक मिलती है तो फिर परिवार में भी खुशी रहती है। और ये जो तीन नाम है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन नामों को लेकर चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी में टॉप किया है, अनिमेश प्रधान सेकंड पोजीशन पर रहे हैं और अनन्या रेड्डी जो कि यूपीएससी में तीसरे स्थान पर रही हैं। जाहिर सी बात है, बड़ी बात है यूपीएससी को टॉप करना। आदित्य श्रीवास्तव के नाम इस बार यूपीएससी की परीक्षा रही, उन्होंने टॉप किया, अनन्या रेड्डी तीसरे स्थान पर रही और इस पर पूरी जाहिर लिस्ट है जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। दूसरे स्थान पर अनिमेश रहे, अनिमेश प्रधान। इस खबर को लेकर आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आदित्य, यूपीएससी के रिजल्ट का इंतजार बहुत बेसब्री से उन युवाओं को था जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, अब रिजल्ट सबके सामने, टॉप थ्री नामों के अलावा और नामों को लेकर जरा जानकारी दीजिए। जी, जो इस बार अभी तो आया है तो आदित्य जो है वो टॉप थ्री लखनऊ के रहने वाले हैं। अरे कहाँ है, टॉप टेन में है। आदित्य जवाब दीजिए आप। यूपीएससी में पीके सिद्धार्थ जिन्हें चौथा स्थान मिला है और आदित्य अभी टॉप टेन में आने वाले जो कॉम्पिटिटर रहे उनका जिक्र कर रहे थे। यूपीएससी परीक्षा 2023 का परिणाम सामने आ गया है। आदित्य श्रीवास्तव और अबुल, मुझे लगता है आज दिन भर क्या, अब अगले कई दिन तक आदित्य श्रीवास्तव को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा रहेगी। राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कोलीग, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश जी, यूपीएससी रिजल्ट सामने आ गए।